हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें क्या दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। एक सर्कुलर टेबल टॉप है जिसे आप पॉलिश करना है आपको। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक डायग्राम से बता सकती हूँ आपको। सपोज ये एक सर्कुलर टेबल टॉप है, टेबल का टॉप पोर्शन है, और इसे आपको पॉलिश करना है, राइट। और इसका डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर दिया है 1.6 मीटर। अगर रेट ऑफ पॉलिशिंग 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो वो उतने टेबल टॉप को पॉलिश करने के लिए क्या चार्ज लगेगा, हमें ये भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए उस टेबल टॉप का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू, अब एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आपको बता दूँ, डायमीटर हमें दिया है 1.6 मीटर, तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी, 1.6/2 मतलब 0.8 मीटर, राइट। ये रेडियस आ गई, अब इसे हमें यहाँ पर पुट करना है। पाई की वैल्यू हमें बोली है 3.14 लेने के लिए, तो पाई की वैल्यू आएगी 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 0.8 का स्क्वायर। 3.14 इंटू 0.8 का स्क्वायर मतलब हम क्या लिखेंगे, 0.8 इंटू 0.8 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये 3.14 है और ये 0.8 इंटू 0.8 क्या हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा, राइट। फिर अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अभी हम पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं, डेसिमल्स को, सिर्फ डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 1 4+1 5, 4 3 12 क्रॉस किया यहाँ पे, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 1 6+2 8, 6 3 18 एडिशन करेंगे यहाँ पर, 6 5+4 9, 8+2 10 का 0 कैरी 1, 8+1 9+1 10 का 0 कैरी 1 2। तो ये क्या हो गया, 2 0 0 9 6। और पॉइंट कहाँ पर आएगा हमारा, हमें देखना है कितने नंबर के आगे पॉइंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब हमें यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर आएगा, 4 नंबर के आगे, मतलब क्या आएगा, 2.0096 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया हमारा, राइट। अब हमने क्या किया, एरिया तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, मतलब इतने एरिया को पॉलिश करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, राइट। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ टेबल टॉप इंटू रेट, जो रेट दिया है वो, तो टोटल हमारा क्या एरिया आया है, टोटल एरिया हमारा ये आया है, तो 2.0096 इंटू रेट क्या है, 15, ठीक है, 15 रुपीज़ का रेट लगा हुआ है, तो वो लिखना हमें, और इनकी मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे वो हमारी कॉस्ट आएगी, राइट। तो अगर हम इसे यहाँ पर करते हैं तो आएगा, हम अभी पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, डायरेक्टली नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, 15 6 90 का 0 कैरी 9, 15 9 135 135+9 144, तो 144 का 4 आएगा कैरी 4, ये 4 नीचे आ जाएगा 0, और 15 2 30 क्या आ गया, ये 300440। और अब हम डेसिमल देंगे, डेसिमल कहाँ है, 4 नंबर के आगे, तो 1 2 3 4 के आगे पॉइंट आएगा, मतलब आंसर आएगा 30.0440, राइट। इतने रुपीज़, ये क्या आ गई, कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, राइट। तो हमारी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या आ गई, 30.044 रुपीज़। बहुत ही आसान था, आप देख सकते हैं कैसे करना है। पहले हमने एरिया निकाला उस टेबल टॉप का, एंड देन उसको रेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग
मिल गई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो हमने यहाँ कंप्लीट किया है। फर्दर क्वेश्चन को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।